हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अभी की सबसे बड़ी शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, स्टॉक मार्केट में तो आपको पता ही है काफ़ी सारे खबरें आते रहते हैं, बट एक ऐसी खबर सामने आई है एंड आपको पता है मार्केट में दोनों तरफा मतलब एक्सट्रीम तेज़ी या फिर एक्सट्रीम गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट उसके लिए थोड़ा सा बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे जो भी खबर आ जाती है तो उसके बाद हम लोग को इस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल जाता है। एंड वही चीज़ अभी हम लोग को दुनिया के बाजार में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो किस चीज़ की हम लोग यहाँ पे बात करें, ए टू जेड सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों जीडीपी, यस जीडीपी का डेटा इस हफ्ते यहाँ पे सामने आने वाला था। कौन से कंट्री का? तो दोस्तों अमेरिका का। सो एज यूजुअल देखा गया तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हर महीने की अगर हम लोग बात करें, हफ्ते की बात करें, कोई ना कोई डेटा यहाँ पे आता रहता है और अभी तक भी कितने सारे डेटा आए थे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगा नॉर्मल डेटा। बट इस वक्त एक ऐसा डेटा यहाँ पे सामने आया है जिसके चलते लिटरली मतलब हम कह सकते हैं दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक है सबके मतलब होश उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो कुछ महीनों पहले एक रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई थी कि अमेरिका में ऐसा ऐसा हो सकता है करके, बट देखा गया तो उस रिपोर्ट को किसी ने इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया। उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा था कि अमेरिका में भविष्य में स्टैगफ्लेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है करके, बट जैसे कि आपको बताया कि किसी ने इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया उस रिपोर्ट के वाले, अरे यार किधर स्टैगफ्लेशन यहाँ पे आएगा करके, बिकॉज स्टैगफ्लेशन होने के लिए जीडीपी बहुत ही बुरी तरीके से पिटना चाहिए, नीचे आना चाहिए, जो कि अमेरिका में अगर हम लोग बात करें और भी पैरामीटर्स रहते हैं नो डाउट, मैं स्टैगफ्लेशन क्या होता है उसके ऊपर भी आऊँगा, इसी वीडियो में आऊँगा। बट हर किसी को पता था कि भाई इतना तो इनका जीडीपी ख़राब नहीं है कि स्टैगफ्लेशन की ओर जाए करके, तो किसी ने भाव नहीं दिया उस रिपोर्ट को। नवंबर के आसपास, दिसंबर के आसपास रिपोर्ट आई थी, मतलब आप कह सकते हैं पाँच महीने पहले। पर दोस्तों अभी उसी रिपोर्ट को सब लोग वापस पढ़ना स्टार्ट यहाँ पे कर दिए हैं, क्योंकि जो इस वक्त का जो जीडीपी का डेटा सामने आया अमेरिका का, लिटरली वाहियात डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। यस, मैं यही शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा, मतलब बहुत ही घटिया। अगर आप चेक करोगे कि जीडीपी का डेटा लास्ट टाइम था 3.4%, इस वक्त एक्सपेक्ट किया गया था 2.5 आना चाहिए और आया देखो कितना 1.6। मतलब मैं लिटरली आपको कहना चाहूँगा मैंने दो तीन बार रिफ्रेश करके देख लिया कि भाई 1.6 ही है कि 2.6 है, इतना ख़राब डेटा मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब 2.5, चलो 2.4 होता है ठीक है यार, 2.3 होता है ठीक है, 2.2 भी होता है ठीक है, 2.12 मतलब कुछ भी चलता, लिटरली 1.6 इतना ख़राब डेटा, ठीक है। तो इसीलिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि भाई जो स्टैगफ्लेशन की रिपोर्ट आई थी जहाँ पे बताया जा रहा था स्टैगफ्लेशन क्या होता है, मैं आऊँगा मतलब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो उसी की ओर इंडिकेशन दे रहा है अभी। मतलब बहुत ही ख़राब डेटा, मतलब आप जितना ख़राब बोलना चाहते हो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। देखिए कुछ लोग लिखेंगे कमेंट्स में, सर डरा क्यों रहे? अरे भाई मेरे बोलने से क्या होता है, मेरा भी पैसा मार्केट में लगा हुआ है, जो सच है वो सच ही है और डरने की क्या बात है भाई, अमेरिकन बाजार ही देख लो, सीधा यहाँ पे इस प्रकार का डेटा सीधा 650-700 पॉइंट नीचे, ठीक है। अभी कुछ रिकवरी आ गई तो भाई हम बच गए, मतलब अभी नीचे से रिकवरी आई इतना ही हर कोई यहाँ पे प्रे कर रहा है। बहुत ही ख़राब डेटा, 0.2% अमेरिकन बाजार गिरना, मतलब कितनी बड़ी बात है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और अभी जस्ट शुरुआत यहाँ पे हुई है, फ्यूचर अगर आप देखोगे अमेरिकन बाजार का 724 पॉइंट डन, ऑब्वियसली इसमें चेंज होता रहेगा, 724, 624 हो सकता है, कुछ रिकवरी आ सकती है। बट अगर आप चेक करोगे खास करके चार्ट पैटर्न के ऊपर, अगर आप चेक करोगे ये देखिए कैसा यहाँ पे चल रहा था, मतलब ये इस प्रकार के जो चार्ट पैटर्न है ना दोस्तों ये इंडिकेशन देते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हाँ ठीक है भाई जीडीपी का डेटा आएगा, खराब आके भी कितना आएगा, 2.5 के बदले 0.4, 0.3, 0.2, बट दो उसके भी नीचे 1.9 भी नहीं, 8 भी नहीं, 7 सीधा 6, तो बहुत ही ख़राब डेटा देखने को यहाँ पे मिल चुका है और उसी का नतीजा है जो कि आप साफ साफ देख सकते हो किस प्रकार के लाल कैंडलस्टिक, मतलब बेयर वालों को एक मौका मिल गया भाई कि तोड़ो जितना हो सके तोड़ो, क्योंकि बुल का कॉन्फिडेंस कहाँ पे आएगा इस प्रकार का डेटा देख के। और इसी चीज़ के चलते दोस्तों अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त हम लोग को भूकंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही नतीजा है जिसके चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं बेयर वाले वापस कमबैक करते हुए देखने को मिल सकते हैं विदेश के बाजार में। और जैसे मैंने आपको कहा था जो रिपोर्ट की हम लोग यहाँ पे बात करे थे, अभी उस रिपोर्ट को वापस हर कोई स्टडी करना स्टार्ट कर चुका है स्टैगफ्लेशन। अभी ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इसमें बेसिकली देखा गया तो चार चीज़ें रहती है कि आपका इन्फ्लेशन हायर लेवल पर रहता है, देन डिमांड की अगर हम लोग बात करें तो ये गिर जाता है, देन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें अमेरिकन बाजार में हो रही थी, बट एक डेटा ऐसा था जो कि स्टैगफ्लेशन की ओर इंडिकेशन नहीं दे रहा था, इसलिए उस रिपोर्ट को इतना भाव नहीं मिल रहा था। वो था जीडीपी का डेटा कि जीडीपी गिरेगा करके, और गिरेगा मतलब बहुत बड़े स्तर पर गिरावट, ऐसा नहीं कि 2.5 के बदले 2.4 तो स्टैगफ्लेशन आ गया करके, नहीं, बहुत बड़े मात्रा में जीडीपी गिरेगा करके, जो
मंशा जो थी उस रिपोर्ट की, मतलब जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आज पूरी हो गई। इसीलिए तो आप देख रहे हैं अमेरिकन बाजार में क्या भूकंप हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज इसके पहले के अगर आप जीडीपी का डेटा देख लो, ठीक है, ये वाला इस वक्त का जीडीपी का डेटा 2.5 था, ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना आया 1.6, ठीक है, इसके पहले का देखिए 3.2, पहले का ओल्ड वाला 3.2 एक्सपेक्टेड था, 3.4 था, अच्छा डेटा आया था, 3.3 एक्सपेक्टेड था, 3.2 आया, चलो थोड़ा खराब आया, देन यहाँ पे 2 एक्सपेक्टेड था, 3.3 आया, कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला, 5.2 था तो 4.9 आया, 4.9 एक्सपेक्टेड था तो 5.2 आया, चलो अच्छी बात है, 4.3 के बदले 4.9, 2.1 तो 2.1, 2.4 एक्सपेक्टेड तो 2.1 आया। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है भाई कि इसी के आसपास ही कुछ तो चल रहा है, ठीक है, एकदम कोई अंतर नहीं है, बट ये वाला अंतर अगर आप देखोगे सीधा 2.5 से नियर बाय 1.5 ही आप कह सकते हो, इतना बड़ा डिफरेंस ऑलमोस्ट 1% के आसपास। सो यही चीज़ आप लोगों को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, एंड इसी चीज़ का जो रिएक्शन है वो साफ साफ हम लोग को अमेरिकन बाजार में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी देखने वाली बात होगी और कितना टूटेगा, नैसडेक की भी हालत हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, और यही खूबी होती है दोस्तों बाजार की कि कभी भी कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, एंड खास करके ज़्यादा नेगेटिव खबरें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी ऐसी बात नहीं, हमारा भी जीडीपी का डेटा आया था, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, याद होगा कुछ लोगों को 8% प्लस किसी ने सोचा भी नहीं था, इतना आउट ऑफ द बॉक्स आया था और हमारे बाजार में भी उसका धूमधड़ाकेदार स्वागत किया गया था, ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, बट ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गिरेगा करके अमेरिकन बाजार का जीडीपी की बात करें तो। ये तो सीधा सीधा जो स्टैगफ्लेशन की रिपोर्ट निकल कर आई थी अभी उसकी चर्चा लोग स्टार्ट कर दिए, और अमेरिकन बाजार जब भी यहाँ पे गिर जाता है तो हमारा फोकस क्या रहता है कि भाई कोई मिडल ईस्ट में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई कि नहीं, कि कोई बम बिम फेंक दिया, तो हम क्रूड भी चेक करते हैं, तो क्रूड भी आप देख सकते हो कुछ नहीं है, क्रूड एकदम 87-88 के आसपास ही आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं इन सारी चीज़ों को आपको लिंक करके बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया भर के बाजार में अगर कभी भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो हम ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो ये प्योर जो खबर देखने को मिल रही है वो अमेरिकन बाजार की ओर से ही देखने को यहाँ पे मिल रही है, जो कि डाउ जोन्स नैसडेक के चार्ट पैटर्न से भी आप अनुमान लगा सकते हो। सो चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें कवर तो कर ली, अभी बताओ आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई अभी FOMC की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली, फेडरल रिजर्व की बात करें, फेड की बात करें, हैवी प्रेशर क्रिएट होते हुए देखने को मिलने वाले अमेरिका में। अभी इलेक्शन का भी टाइम यहाँ पे रहने वाला है, बाइडन के तो कॉल भी आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके होंगे, पॉवेल जी मतलब लिटरली इनकी नींद ही उड़ जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक का भाई साहब देखा गया तो 2-3 ही काम होता है। क्या काम होता है, मेजर काम क्या होता है कि आपको इन्फ्लेशन को मतलब मेंटेन रखना है, इन्फ्लेशन को ख़त्म नहीं करना होता है भाई, इन्फ्लेशन भी होना इंपॉर्टेंट रहता है, हाँ, बट इतना भी नहीं कि पूरा मतलब कि बर्बादी हो जाए करके, और इतना भी नीचे नहीं लाना है कि डिफ्लेशन में चले जाए, चीज़ों की वैल्यू ही ना बचे, सो इसको मेंटेन करना होता है। तो वो भी इन्फ्लेशन की बात करें, 2% के टारगेट की बात कर रहे हैं और अभी फिलहाल इन्फ्लेशन देखोगे तो 3% के ही रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, सो एक दिक्कत देखने को मिल रही है। और दूसरा काम क्या होता है इनका, GDP ग्रोथ को मेंटेन करना, तो वहाँ पे भी धज्जियाँ उड़ गई, तो दोनों पिलर्स, इन्फ्लेशन भी नहीं जम रहा है और GDP की भी धज्जियाँ उड़ रही है, तो पावेल साहब आप कर क्या रहे हो भाई, इनको आज ज़बरदस्त यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे मतलब क्लास लेनी जाने वाली है, इनकी लग भी चुकी होगी अभी तक, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है अल्टीमेटली जो उंगलियाँ उठेगी वो तो सरकार के ऊपर उठती है। तो यही चीज़ मतलब दुनिया में आप किधर भी चले जाओ यही चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो एंड इस वक्त की FOMC की जो बैठक है, आपको पता है अप्रैल अभी ख़त्म हो जाएगा, अगले हफ्ते FOMC की बैठक भी यहाँ पे रहने वाली है, सो काफ़ी हैवी प्रेशर अभी हम लोगों को फेड के ऊपर भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका होगा। बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो 4.7 बीच में एक बार 3 के रेंज के आसपास यहाँ पे आने वाला बॉन्ड यील्ड अभी आप देख सकते हो 5-5 की ओर धीमे धीमे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, देखो ऑलमोस्ट 3 के रेंज में यहाँ पे आया था, अभी बढ़ते 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 ऊपर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल भी अच्छे इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दे रहे। देखिए अगेन कह रहा हूँ, लिख कर बोल रहा हूँ, इससे कोई दुनिया दी एंड नहीं हो जाती है, मार्केट ऐसा ही चलता है। अभी जो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसको ये बेसिक चीज़ें ही समझ में नहीं आती है, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट में रहना है तो ये ड्रामे चलते ही रहेंगे, उसका आदत हम लोगों को यहाँ पे लगवाना आना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो एक नया ड्रामा मिलते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है, और इसकी भी ज़बरदस्त चर्चा हम लोग को बाज़ार में होते हुए देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो काफ़ी सारे वीडियोस बनते हुए देखने को मिलेंगे और बनने ही चाहिए, इतना ख़राब डेटा 2.5 किधर और 1.6 किधर, और रिएक्शन हमारे सामने है, ठीक है, कुछ रिकवरी आ जाइए तो अच्छी बात है भाई, रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। 600 पॉइंट की गिरावट हम लोग को अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, 700 के नीचे चले गए थे, अभी 600 भी देखकर अच्छा ही लग रहा है, ये हालत हम लोग को फिलहाल तो अमेरिकन बाजार के देखने को मिल रही है। एंड इसी चीज़ के चलते दुनिया भर के भी अगर हम कुछ बाजार को देखेंगे, जैसे कि फ्रांस के बाजार की बात करें तो आप देख सकते हो किस प्रकार का हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन फुटसी की बात करें, हरा निशान देखने को मिलेगा, बट आप चार्ट पैटर्न को चेकआउट कर सकते हो, जिस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है उस हिसाब से कैसे प्रेशर क्रिएट हुआ है। एंड जर्मनी के डैक्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो,
ये कैसे अचानक हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो डेफिनेटली कल के दिन के हिसाब से हमारे बाजार का क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार कैसा क्लोज होता है उस हिसाब से सारी चीज़ें निर्भर यहाँ पे रहने वाली है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।